फ्रेंड्स, मैं हूं स्वाति। वेलकम बैक टू माय चैनल ही एंड शी ब्लॉग्स। फ्रेंड्स, आज मैं हाजिर हूं अपने नए ब्लॉग के साथ और आज मैं जा रही हूं बोध गया अपनी फैमिली के साथ। हमने अपनी गया की जर्नी स्टार्ट की थी विष्णुपद मंदिर से और अब हम जा रहे हैं बोध गया। बोध गया के बारे में तो आपने ज़रूर सुना होगा। बोध गया को बौद्ध धर्म का सबसे पवित्र स्थल माना गया है। यह वह स्थान है जहाँ भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। यहाँ ई रिक्शा के ऑप्शंस अवेलेबल हैं। यहाँ जितने भी टूरिस्ट स्पॉट्स हैं वो आपको ई रिक्शा वाले भैया कवर करा देंगे, इसलिए हमने अपनी कार पार्क की और हम ई रिक्शा से निकल पड़े बोध गया एक्सप्लोर करने। सबसे पहले हम पहुंचे विशाल बुद्ध मूर्ति के पास। विशाल बुद्ध मूर्ति के बाहर ही बहुत सारे छोटे छोटे स्टॉल्स लगे हुए हैं, जिसमें बहुत सारे डेकोरेशंस के आइटम हैं। भगवान बुद्ध की मूर्तियां हैं, विंड चाइम्स हैं जिसे आप अपने घर ले जा सकते हो और डेकोरेशन में यूज कर सकते हो। अब हम अंदर जा रहे हैं। यहाँ काफी टूरिस्ट आए हुए हैं। भगवान बुद्ध की मूर्ति 80 फीट ऊंची है। अब हम विशाल बुद्ध मूर्ति के नजदीक जा रहे हैं। अब मैं विशाल बुद्ध मूर्ति के जस्ट नीचे खड़ी हूँ गाइस, और ये इतनी विशाल मूर्ति है कि हम तो बस देखते ही रह गए। और आप देख सकते हैं कि विशाल बुद्ध मूर्ति के आसपास बहुत सारी बौद्ध सन्यासियों की मूर्तियां भी बनी हुई हैं। ये बहुत ही अमेजिंग जगह है गाइस, और आप जब भी बोध गया आते हो आप इस जगह को जरूर एक्सप्लोर करना। अब हम जा रहे हैं अपने नेक्स्ट स्पॉट को एक्सप्लोर करने। अब हम पहुंच चुके हैं बोध गया के वट थाई मंदिर। ये है वट थाई मंदिर का मुख्य द्वार। This temple is one of the famous temple in Bodh Gaya. इस मंदिर के चारों तरफ बहुत सारे पेड़ पौधे लगे हुए हैं और ये मंदिर भी काफी सुंदर है और आकर्षित है। इस मंदिर का स्ट्रक्चर थाई आर्किटेक्चर को दर्शाती है। Thank you.
अब हम मंदिर के अंदर जा रहे हैं। इस मंदिर के अंदर भगवान बुद्ध की ब्रोंज की मूर्ति स्थापित है। यह मंदिर अंदर से भी बेहद खूबसूरत है। बोध गया में एक्सप्लोर करने के लिए बहुत सारे स्पॉट्स और टेम्पल्स हैं जिसे आप आराम से एक्सप्लोर कर सकते हैं। हमारे पास टाइम की थोड़ी कमी है और हमें आज ही लौटना भी है, तो शाम हो चुकी है और अब हम अपने आखिरी स्पॉट पर जा रहे हैं जो है महाबोधि टेम्पल। यहाँ आपको फ़ोन अलाउड नहीं है, लेकिन यहाँ आप कैमरा ले जा सकते हैं जिसके लिए आपको अमाउंट पे करना पड़ता है। महाबोधि मंदिर भगवान बुद्ध के जीवन का अहम हिस्सा है। इसी जगह पे भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। महाबोधि मंदिर के बगल में ही जगन्नाथ मंदिर है। अगर आप महाबोधि मंदिर आते हैं तो जगन्नाथ मंदिर भी जरूर दर्शन कीजिएगा। ये बहुत ही सुंदर मंदिर है। अब मैं जा रही हूँ महाबोधि मंदिर के अंदर। इस मंदिर को सम्राट अशोक ने बनवाया था और इस मंदिर के अंदर भगवान बुद्ध की गोल्ड प्लेटेड मूर्ति रखी हुई है। इसी जगह पे भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। यहाँ पे अलग अलग देश से लोग आते हैं और यहाँ बैठकर मेडिटेशन करते हैं, प्रार्थना भी करते हैं। ये है लोटस पॉन्ड जिसे मूचालिंडा लेक भी कहते हैं। मूचालिंडा का मतलब किंग ऑफ सर्पेंट होता है। कहा जाता है भगवान बुद्ध जब मेडिटेशन कर रहे थे तब एक बहुत ही बड़ा स्टॉर्म आया था। तब मूचालिंडा ने वहाँ आकर भगवान बुद्ध के सिर के ऊपर अपना फन फैलाकर उन्हें प्रोटेक्शन दी थी। तभी से इस लेक का नाम मूचालिंडा लेक पड़ गया। बोधगया का सफर हमारा यहाँ खत्म होता है। आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हम इसी तरह से नए नए वीडियोस लाते रहेंगे। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।